देखो, मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि सरकार ने ये इच्छा जाहिर करी कि किसान और सरकार बैठ के ही इस मामले का समाधान निकाल लेंगे। तो फिर अगली तारीख दे दी गई है? हाँ, फिर तारीख दे दी तो चलेंगे दोनों की सहमति से, फिर 19 तारीख को बैठ लेंगे। तो क्या लगता है कि अगली तारीख में कुछ हल निकल पाएगा या फिर ना निकले? नहीं, सरकार किस मूड में बैठी कि तारीख पर तारीख दे? सरकार ये बैठी कि लंबा खेंचो, कितना चल सकता है ये। तो सरकार ये भी देखना चाहती है किसानों में दम है कि कितना। हाँ हाँ, हमने उन्हें बता दिया, ये एक फसल का भी आंदोलन सरकार ने झेल पाने की, अभी तो गेहूं का आंदोलन है। गेहूं तो बोक आए, अभी तो कटिंग होगी जाकर अप्रैल लास्ट और मई में, तो जब तक के लिए तैयार है किसान, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा देंगे। तो जिस तरीके से तारीख देते हैं, फिर बातचीत करने का हल देते हैं, 18 को आप लोगों ने यहाँ पे कुश्ती का आयोजन करा है, 19 को फिर आपकी तारीख है, तो क्या लगता है कि मतलब सरकार बातचीत का हल निकालने को तैयार नहीं है और फिर भी कहती है कि हम किसानों की हर चीज़ के लिए? हाँ, अभी नहीं तैयारी है उनका, ये लगता है कि ये संशोधन पर मान जाएंगे और हमें ये है कि ये बिल वापसी हो, तो अब देखते हैं आगे कहाँ तक चलते। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बावजूद भी सरकार को ढंग से सही रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है? नहीं, सरकार मान नहीं रही सुप्रीम कोर्ट की बात, अभी मान नहीं रही। जनवरी को लेकर आपकी क्या तैयारियां रहेंगी? देखो, तैयारी तो बहुत बड़ी तैयारी है किसानों की, अभी उसका जगह देखेंगे कि जगह उसकी क्या रहेगी और उसको किस तरह से सारे किसानों को इकट्ठा करा जाएगा। तो क्या आपकी सिंधु बॉर्डर से बातचीत हो रही है? क्यों? हाँ, सब कह रहे हैं कि हम लोग दिल्ली नहीं कूच करेंगे और आप कह रहे हैं हम लोग दिल्ली जाएंगे 26 जनवरी को लेकर। वे भी तो दिल्ली में बैठे, हम भी दिल्ली में बैठे, यहाँ भी तो दिल्ली है, वो तो जगह कहाँ रहेगी वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से ट्रैक्टर आ रहा है, उसकी जगह कहाँ रहेगी वो डिसाइड करेंगे।